आज की वीडियो फ्रेंड्स इस के बारे में है। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है। फ्रेंड्स ये वो मेहनत है जो आप किचन में अपने घर वालों को बता देते हैं कि ये जी जनाब कुछ चाय की पत्ती या अंडे के छिलके अगर बचे तो इसमें डाल दें। फ्रेंड्स आज इसको ओपन करने वाला हूँ। इसमें तकरीबन कोई 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से ही चाय की पत्ती और एग शेल्स इसमें जमा किए जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कितना भरा हुआ है, क्या है क्या है, इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो जी फ्रेंड्स छत पे जाएं, सबसे पहले आप अपने और किसी ऐसी जगह को कोना ढूंढ लें जहाँ पे आपको धूप आती हो तेज़, वहाँ पे चले जाएं और ये फर्टिलाइज़र बनाने का वक्त आ गया। फ्रेंड्स ये देखें नीचे भी पत्ती लगी हुई है। फ्रेंड इस पत्ती को एक कपड़ा बिछाएं, मैं पहले भी किया हुआ है इस पेपर थोड़ा सा किया था। तो अब इसमें ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप इसमें उंडेल दें। ये देखें फ्रेंड्स ये देखें फ्रेंड्स सारा मैंने डब्बा उलट दिया है। ये देखें फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा फैला दें। ये देखें ये फ्रेंड्स एग शेल्स, बड़े बड़े मोटे मोटे एग शेल्स हैं और पत्ती है, चाय की पत्ती जो हम घर पे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसको जमा किया हुआ है तकरीबन कोई 1 मंथ लेटर हो चुका हुआ है। सर्दियाँ थी, सर्दियों की वजह से चाय का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वैसे गर्मियों में भी होता है। फ्रेंड्स इसको ज़रा आप ज़रा अच्छी तरीके से इसको कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये आपने छत पे जब रखना है ना इसको आपने कपड़े से ढक देना है, क्योंकि ये जो कौवे हैं ना, कौवे ये लाहौर के कौवे, ये इसको एग शेल को खाते हैं उड़ा के। ये जब आप आएंगे ना, आप खुला छोड़ देंगे जब वापस आएंगे तो कुछ भी एक एग शेल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये देखें इस तरह आप इसको फैला दें दूर दूर तक। इस अंडों को थोड़ा सा तोड़ दें, थोड़ा सा हल्का से तोड़िएगा, बस ज़्यादा ना तोड़िए क्योंकि सूखना है अब। और सूखने के लिए रख दें फ्रेंड्स इसे, फ्रेंड्स सूखने के लिए रख दें। जो लगी हुई है इसके ढक्कन के ऊपर वो भी आप उतार दें। फ्रेंड्स ये देखें, अब ये देखें फ्रेंड्स इस डब्बे के अंदर लगी हुई हैं। इसको मैं पानी इसमें डाल के तो इसमें रख दूँगा। तो फ्रेंड्स आइए एक काम करते हैं बहुत ज़रूरी। इसके ऊपर ये कपड़ा जो है ना, कपड़ा आप इसके बराबर का कपड़ा, मैंने तो अपनी शर्ट एक टी शर्ट थी वो फाड़ी हुई है फ्रेंड्स, बस आपने ये कर देना ऊपर और साइडों पे आपने ईंटें रख देनी है, कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और ये अब ना ही कौवे आएंगे तो ना ही कोई मच्छर पैदा होगा, मच्छर भी पैदा हो जाता है फ्रेंड्स इसमें, कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो खैर अगर आप पेस्टिसाइड आपके पास पड़ा हुआ है तो हल्का सा स्प्रे कर दीजिएगा, मैं तो कर देता होता हूँ जब मुझे पता लगता है कि कीड़े वगैरह पैदा हो गए, लेकिन अभी ऐसा कर दिया ना कीड़े मच्छर वगैरह इसमें पैदा नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें बना हुआ पहले से, ये मैंने बनाया हुआ था, सूख गया हुआ है, छोटा छोटा हो गया है फ्रेंड्स। पीस लिया ऐसे चाय की पत्ती कुछ एग शेल्स, ये फ्रेंड्स किसी NPK से DAP से ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये घर की बनी हुई है तो NPK में पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, लेकिन इसमें तो मुझे पता है क्या क्या है, एग शेल्स हैं और चाय की पत्ती है। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं जानता हूँ आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ये काम आप किया करें, घर की पत्ती भी ज़ाया नहीं जाएगी ना अंडे फेंके जाएंगे बाहर फ्रेंड्स। तो इसको आप घर पे ही फर्टिलाइज़र तैयार करें। ये देखिए ये मेरे फ्रेंड्स मेरा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका होगा, ये फर्टिलाइज़र मेरा तैयार हो चुका होगा। इसको मज़ीद आप और पीस लें, क्योंकि ये जो एक्सेल्स है ना ये वाले, ये ज़रा थोड़े सख्त हैं तो रूट्स भी काट सकते हैं। तो इसको ज़रा पाउडर बना लें, ज़रा थोड़ा सा ज़रा पाउडर भी ना हो मतलब लेवल का बना लें आप। तो ग्राइंडर से बनाइएगा, आपके पास कुछ जो घर पर ग्राइंडर से जिसमें मसाले पीसे जाते हैं उसमें बनाइएगा, बाद में उसको अच्छी तरह धो के रख दीजिएगा। फ्रेंड्स ये काम तभी कीजिएगा जब आपके घर वाले ना हो, पास ना हो, तभी ये काम कीजिएगा, क्योंकि वो नहीं करने देंगे आपको।
क्योंकि बाद में धो देंगे तो फिर फ़ायदा वो अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं तो आप बाज़ार जाइए, बाज़ार में वो मसाला पीसने वाली या एक और होती है जगह, शायद उसमें पीसा जाता है कुछ, उसके बाद बहुत बड़ा ग्राइंडर होता है तो उसमें ये पीस पिसवा के ले आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखें अब आपने कैसे पता करना है कि ये मेरी तैयार हो गई है, इसको इस फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, कैसे पता लगेगा? इसको आपने सूंघना है। अगर इसमें गंदी बू आ रही है तो अभी इसमें बाकी है, अभी आप इसको धूप लगवाएं। अगर इसमें मिट्टी की खुशबू आ रही है, मिट्टी मिट्टी की बू आ रही है तो समझिए ये तैयार है फ्रेंड्स। इसी तरह काउडंग भी है, काउडंग पर भी आप अगर लेके आते हैं कहीं से तो उसमें मिट्टी की खुशबू आ रही है, मिट्टी मिट्टी की आ रही है तो वो समझ लें कि ये ठीक है। अगर इसमें कोई किसी गंदी गोबर की बू आ रही है तो फिर वो भी तैयार नहीं है। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त ये तैयार करें घर पे और एंजॉय करें, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपने इसको कैसे तैयार किया, कैसे तरीकाकार किया। ये जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ ये भी तकरीबन 2 माह की है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मिल गई थी, 2 माह की तैयार की हुई डब्बा डब्बा तैयार किया हुआ था। अभी एक और डब्बा नीचे रखा हुआ है मैंने, उसमें भी घर वाले चाय बनाते हैं तो उसमें डाली जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपकी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, बहुत बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। ओके जी फ्रेंड, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी।